स्वतंत्रता सेनानी आश्रित कल्याण संघ की बैठक संघ के अध्यक्ष पुरुषोत्तम काले की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश सरकार से मांग की गई कि प्रदेश राजस्व विभाग में स्वतंत्रता सेनानी परिवारों का रिकॉर्ड दर्ज करवाया जाए ताकि समय पर इन परिवारों से संबंधित हर ब्यौरा उपलब्ध हो सके। युवा पीढ़ी को भी देश की आजादी में अहम योगदान रखने वाले इन स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी हो। बैठक में प्रस्ताव पास कर सरकार से मांग की गई कि हर स्वतंत्रता सेनानी के गांव के बाहर स्मारक या गेट बनाए जाए और उनकी प्रतिमा भी वहां पर स्थापित की जाए। लोगों को भी ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित जानकारियां मिलती रहें और उनके लिए वह प्रेरणादायक बने रहें। सरकार की ओर से गठित किए जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी बोर्ड में इन परिवारों से संबंधित ही सदस्यों को भी मनोनीत किया जाए। बैकलॉग आधार पर इस वर्ग से नौकरियों में प्राथमिकता मिले। संघ की ओर से कहा गया कि बैठक के संगठन के समय जो उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाना है उसमें इन परिवारों को ही प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति मिले। इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों की बीते दिनों हुई मौत पर भी शोक जताया गया, जिसमें बिजली क्षेत्र के बुरोटी गांव के लाल सिंह, भ्रेड़ी क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी अमी चंद की पत्नी जयवंती देवी व नदौन के नौल गांव के केसर सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। संघ की ओर से 23 जनवरी को हमीरपुर में सुभाष चंद्र बोस की जयंती का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। संघ की ओर से राज्य ऑर्गेनाइजेशन बनाने पर भी चर्चा की गई, जिसका जिम्मा पुरुषोत्तम कालिया को दिया गया। पदाधिकारियों ने नवनियुक्त सीएम जयराम ठाकुर की ताजपोशी पर उन्हें बधाई दी और आशा व्यक्त की है कि इस वर्ग की हर समस्या नई सरकार से हल होगी। इस अवसर पर जनरल सेक्रेटरी हेमराज हरीश नंदा, देशराज ठाकुर, कश्मीर सिंह, राय सिंह ठाकुर, कुलवंत सिंह कटोचे, संतोषी देवी, रूपलाल दियाल, दीपक मोहिनी शर्मा, रीता कतना, अंजना कुमारी व सुंदर कुमार भी मौजूद रहे। कल्याण संघ की स्वतंत्र सेनानी कल्याण संघ की मीटिंग आज हमने रेस्ट हाउस में हमीरपुर में रखी। दूसरा, नई सरकार बनने पर आदरणीय जयराम ठाकुर जी को हमने बधाई दी है अपने एसोसिएशन की तरफ से कि उनके नेतृत्व में, रहनुमाई में हिमाचल प्रदेश जो है वो विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। बाकी पिछली डिमांडें हमारी थी उसके लिए भी हमने विचार विमर्श किया है, जो लोगों की समस्या थी और पिछली सरकार के साथ जो हमने उठाई थी और जो पूरी नहीं हुई थी उनको आज फिर हमने जो है वो डिस्कस किया और उसको सॉल्व कराने के लिए सरकार के पास हम अपने मांगों का ज्ञापन जो है वो जल्दी ही भेजेंगे। सभी सदस्यों का ये मानना था कि एसोसिएशन जो है वो स्टेट लेवल पे बनाई जाए और उसके लिए जो है उन्होंने मेरे को ऑथराइज किया है कि वो स्टेट लेवल का जो स्वतंत्र सेनानियों का परिवार, आश्रित परिवार का संघ है उसको बनाया जाए ताकि स्वतंत्र सेनानियों की समस्याओं को सरकार के समक्ष अच्छे तरीके से उठाया जा सके। इसी प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों के गांव में, गांव के बाहर गेट बनाए जाएं, याद में स्मारक बनाया जाए उनका, ताकि आने वाली जनरेशन जो है, आने वाली जो पीढ़ी है वो उनसे प्रेरणा ले सके। जो बैकलॉग नौकरियों का है वो अच्छी तरह से नहीं भरा जा रहा है। दूसरा, जब नौकरी मिलती है तो उसको आगे भी सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। शेड्यूल कास्ट के लिए जब पोस्ट निकलती है तो वो लोग मिलते नहीं है और उसको हमने कहा था कि उसको जनरल में से भरा जाए। इसकी नोटिफिकेशन भी सरकार ने निकाली है कि एक महीने के अंदर अंदर जो है वो जनरल से भरा जाएगा, लेकिन अभी तक वो नोटिफिकेशन जो है वो विभागों तक नहीं पहुंची है और पोस्ट जो है वो खाली रह रही है। तो बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो चांसेस जो है निकलें, नौकरियाँ निकलें, क्योंकि सरकार जो है वो 10 या 5 नौकरियाँ निकालती है। हम चाहते हैं कि कठिन नौकरी मिले और जो हमारा बैकलॉग जो पीछे का बचा हुआ है वो जल्दी से जल्दी भरा जाए। रिजर्वेशन दी जा रही है फील्ड फाइटर को, ये तीसरी पीढ़ी तक जो है वो जारी रखी जाए। ये पहले 2 पीढ़ी तक थी, इसको तीसरी पीढ़ी तक जल्दी इसका बोर्ड का गठन किया जाए ताकि हम अपनी मांगों को उनके द्वारा जो है सरकार के पास रख सके। और बोर्ड चेयरमैन और जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बनाना है वो कम से कम मतलब इसी परिवार से बनाया जाए, फ्रीडम फाइटर परिवार से, ना कि दूसरों से उसको वाइस चेयरमैन को बनाया जाए ताकि हमारी समस्याओं का जल्दी से जल्दी हल हो।